हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ और आप वीडियो में मिल ही रहे हो मुझसे। आपसे करने आई हूँ मैं चार बातें और आप देख रहे होंगे आप वीडियो में। मैं यहाँ पे छील रही हूँ मूँगफली, कुछ था ना, ये मेरी मूँगफलियाँ आई हुई थी मेरे पापा के यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे ना गांव में मूँगफली होती हैं और उन्होंने मेरे यहाँ भेजी हुई थी। और क्या नाम है, तो बच्चों को पीनट बटर खाना था, इस चक्कर में हम यहाँ बैठ गए थे मूँगफली छीनने के लिए। तो बच्चों छिलवा के उठ गए थे क्योंकि वो परेशान हो गए थे छील छील के, और मैं बैठी हुई थी क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी मूँगफली छोड़ दी है इसमें उन्हें छीलने के लिए, क्योंकि अब मैं उसमें मूँगफली सुद्धा तो उन्हें फेंक नहीं सकती हूँ। थोड़ी बहुत जो भी मूँगफली रह गई थी तो उसे मैं क्या करती हूँ, सारी उठा उठा के छीन लूँगी। और मूँगफली छिल चुकी थी फिर, और मैं उन्हें उन सबको उठा के रख दिया है। और यहाँ लगाने लग गई थी मैं झाड़ू, क्योंकि गंदगी भी बहुत कर दी थी बच्चों ने सारी सफाई करके। फिर मैंने ये झाड़ू वाड़ू लगा ली, उसके बाद और भी काम टले थे जल्दी जल्दी, क्योंकि क्या होता है ना कि जब किसी चीज़ में आपको देर हो जाती है ना तो ऐसा ही होता है, सारे काम बिखर जाते हैं, सारा काम पड़ा रह जाता है। मेरे साथ भी यही हो रहा था सब। अब मुझे काम करने में भी मन ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं हो रही थी कि मैं करूँ। तो बच्चों पे सामान उठवा के रख रही थी और मैं यहाँ झाड़ू लगाने लग रही थी, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब हमारा मन नहीं होता ना तो काम करने में इच्छा ही नहीं होती है, ऐसा लगता है कि आलस सा आ रहा है काम करने में। तो यही मेरे साथ हुआ। ये सारा कचरा तो था ना बेड में से निकला, क्योंकि ये बेड में ना प्लाई टूट चुकी थी, उसके चक्कर में ये प्लाई सब कुछ चुभती थी। तो इसके पापा ने क्या हुआ, वो उतनी उतनी काट दी जितनी जितनी एक्स्ट्रा निकल रखी थी, क्योंकि वो ना चुभने लग गई थी, कभी किसी कपड़े में फंस जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी कपड़े फट जाते थे इसके चक्कर में। तो इसीलिए मैंने वो हटवा दी, हाँ, क्योंकि सही नहीं था। सारी सफाई कर दी थी मैंने, अब मैं आ चुकी थी यहाँ कपड़े घरी करने। फ्रेंड्स, अभी मौसम तो ऐसा ही चल रहा है, कहीं बारिश कभी धूप कभी बारिश, कहते सूख पाते हैं जितना सूख पाते हैं उतने, नहीं तो बाहर डालने पड़ते हैं। तो मैं ये सारे कपड़े ले आई थी और इनको घरी करके रख दूँगी, क्योंकि जब तुरंत की तुरंत घरी करके रख दो ना तो ठीक है, वरना तो फिर ऐसा लगता है ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मन नहीं करता है। और इसके पापा आज घर पे ही थे तो उनके लिए मैं आई थी यहाँ पे चाय बनाने के लिए। कपड़े हो गए थे क्योंकि जानवी ने मदद करवाई तो जल्दी हो गए। और ये ना सुबह के टाइम तो हम थोड़ी सी एक एक काफ़ी चाय पीते हैं, सुबह थोड़ा जब सर्दी का मौसम होता है तब ज़्यादा पी लेते हैं, इस टाइम तो मुझे थोड़ी सी मनाई करते हैं। और यहाँ पे देखो इतनी सारी मूँगफली मेरी छिल चुकी थी, ये मूँगफली छिल तो गई हैं, जब ये पूरा भर जाएगा भगोना उसके बाद ही मैं पीनट बटर बनाऊँगी और आप सबके साथ भी शेयर करूँगी मूँगफली से पीनट बटर कैसे बनाते हैं। और यहाँ मैं आ चुकी थी, अब आज जिसके पापा कह रहे थे कुछ हल्का खाने का मन है, तो मैंने कहा कि चावल रख देती हूँ बॉल होने के लिए और वो हम बनाएंगे मैगी मसाले के, जिस वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, इसके पापा बनाते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज का जो खाना है वो इसके पापा बनाएंगे, और जो चावल है ना मतलब वो ये मसाला वगैरह ये डाल देंगे, बाकी का मैं सब करूँगी। और यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और उबल चुके हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है क्योंकि ये वनस्पति चावल है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पहले ऑयल डाल लिया था और यहाँ ही मैं नमक ऐड कर दे रही हूँ। ये चावल आप बनाना जब भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हो रहा है गरम मसाला, गरम मसाला ऐड करना है इसमें थोड़ा सा, और मैगी मसाला भी डालना है। ये हो गया मैगी मसाला एक चम्मच, एक से डेढ़ चम्मच या ढाई चम्मच डल जाएगा, दो चम्मच।
और ये क्या होता है ना कि मैगी मसाला की आप किसी भी बड़े दुकान से ना बड़ी सी थैली मंगा के रख लो, जो कि बहुत सही, ख़राब भी नहीं होता है और सही बना रहता है। तो ये सारे मसाले अब ऐड कर लिए थे यहाँ पे, इसके पापा मिलाने लगे, मैंने मिलाना चालू कर दिया था, इनके इसके पापा ने मसाले सारे डाल दिए थे। और ये चावल बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ये सारा मसाला मिला के आप, मक्खन हो तो मक्खन डालो, घी हो तो घी डालो। हमारे यहाँ पे मक्खन नहीं था तो घी था, उसको हमने इसमें ऐड किया, बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं। फिर तो आप कभी भी ऊपर से घी ऐड करेंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं ये चावल। ये चावल आवल तो बन चुके थे, बच्चों को भी भूख लग रही थी तो मैंने उनको प्लेट में डाल के चावल दे दिए। अब मैं मिल रही हूँ आपसे अगली मॉर्निंग, आज है हमारे लिए इंडिपेंडेंट डे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन मेरे घर में भी कुछ है, सिर्फ मेरा मेरा है। और तो मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी भिंडी, आज इंडिपेंडेंट डे है तो बच्चों को भी जाना है, उन्हें भी तैयार करना है। और ये मैं भिंडी क्या है ना कि आयुष को बहुत पसंद है, तो आज के दिन हमारे घर में ना हमारे बाबा ख़त्म हुए थे तो इस दिन हम कढ़ाई नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने ये भिंडी फ्राई वाल में बनाई है। और मैं क्या करती हूँ, पहले भिंडी को फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से, उसको फ्राई करने के बाद आप मसाले को भूनना और फिर ऊपर से नमक मिर्च मत डालिए फ्रेंड्स। क्या 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 होता है ना कि कुछ मसाले भुंजते नहीं हैं, उसके चक्कर में ना क्या होता है, सब्जी थोड़ी अजीब सी लगती है तो अच्छी नहीं लगती। मैं पहले मसाला भून लेती हूँ, उसके बाद मैं ऐड करती हूँ इसको, भिंडी को। और ये भिंडी बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरीके से आप बनाएंगे। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, इसमें सिर्फ मसाले ऐड किए हैं और ना ही तो प्याज ना टमाटर कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ मसाला वगैरह ऐड किया है और कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ मेरा सिर्फ नमक वगैरह रह गया था डालना, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अभी अच्छे से मसाले को मिला के, मिल जाएगा ना जब रखना है। तो यहाँ क्या था ना कि मुझे, बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार हो चुके थे, रेडी तो वो जा रहे थे, उनका लंच वंच पैक कर दिया और यहाँ पे वो जा रहे थे। आज इंडिपेंडेंट डे है ना, तो जानवी को तो बहुत खुश था क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी स्कूल पहुँचना था और प्रोग्राम होता है तो बच्चों को बहुत मन होता है देखने का। और यहाँ बारिश भी चालू हो चुकी थी, रिमझिम बारिश हो रही थी। और इसके पापा लग गए थे, आज इंडिपेंडेंट डे है तो हम पिछले साल से ना अपने यहाँ पे हमेशा तिरंगा लहराते हैं, जो मोदी जी ने कहा था वही कर रहे हैं। तो इसके पापा ने तिरंगा लहरा दिया और मैं यहाँ आ चुकी थी गिलहरी को थोड़ी सी मूंगफलियाँ देने के लिए, क्योंकि वो चिल्ला रही थी इस वजह से। और बच्चे वगैरह चले गए थे यहाँ पे, अब मैं लग गई थी अपने कामों में। यहाँ जी क्या आता ना कि मन नहीं होता है ना, आज मेरा मन नहीं था काम करने का, पर क्या होता है ना कि हमारा मन नहीं होता है ना, फिर भी हमें करना तो है ही काम, क्योंकि कोई और नहीं है जो हमारी मदद कर देगा। जब हम खुद अकेले होते हैं तो अकेले ही करना पड़ता है, क्या करें, नहीं है मन तो का तो भी करो, मन है तो भी करो। ये तो हमारी एक, मतलब एक लेडी की लाइफ में ये तो चलता ही है। तो आज इंडिपेंडेंट डे है तो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट की आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आज मेरा बर्थडे है, आज के दिन मेरा बर्थडे है और ऐसा ही है, हम छोटी फैमिली है तो हम सब, आपको पता ही है आज के दिन हमारे ससुर ख़त्म हुए हैं बड़े वाले, तो हम ऐसे ज़्यादा कुछ मनाते ही नहीं हैं क्योंकि सही नहीं है, तो हम यही मिल के केक कटाएंगे। यही खुशी है, थोड़ी सी खुशी है तो क्या होगा, यही अच्छा लगता है बस मिलजुल के परिवार। तो यहाँ इसके पापा ने सब मेरे मुझे लगा दिया मेरे को, अच्छे दिन मेरी आज के दिन तबीयत खराब थी और मैं बीमार बनी हुई थी। मुझे ना हड्डियों की टीवी हुई है तो
मैं इसी के लिए मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ था, तो मैं आपको बताना चाह रही थी। पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करोगे और सोचोगे कि क्या बता रही हूँ। सभी से मैंने आपसे नहीं बताया। तो फ्रेंड्स, मुझे भी हड्डियों की टीबी है, हड्डियों का पतला होना, तो उसके लिए इन्फेक्शन है शरीर में, तो उसका इलाज चलेगा 1 साल तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मुझे, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं भी ठीक हो जाऊँगी। और दवाई प्रॉपर करवानी पड़ेगी मुझे, क्या है ना कि दवाई तो खानी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए चाहे अब दवाई खानी है, अगर ठीक होना है तो खानी है। पर हाँ, थोड़ी बहुत पैसों की दिक्कत होगी, और देखते हैं कैसे क्या मैनेज होगा। अगर आप